हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो ये पिक्सल 4a डिवाइस है मेरा, जो लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। और इसमें दो बड़े इशू आए थे जिसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा और कार्ड में भी दे दूंगा। ये तीसरा बड़ा इशू या फिर सेल्फ डैमेज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे कारण ये हुआ है। फ़ोन जो है अचानक मेरे हाथ से छूट के गिर गया था डिस्प्ले की तरफ से, और जब मैंने इसे उठाया तो डिस्प्ले पूरा का पूरा ब्लैक था। यानी कि फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है तो वो भी मुझे सुनाई दे रहा है, सभी चीज़ वर्किंग कंडीशन में है, बट डिस्प्ले में कुछ शो नहीं कर रहा है। साइन यही हो सकता है कि डिस्प्ले कनेक्टर टूट गया हो। बट ये फ़ोन जो है वो बहुत ही ईजी रिपेयरेबल डिवाइस नहीं है, काफ़ी टफ टू रिपेयर है, और इसके पार्ट्स भी मिलना काफ़ी रेयर हैं। और जिस डिवाइस के पार्ट्स मिलना रेयर होते हैं उसके पार्ट्स काफ़ी महंगे भी होते हैं। अगर मैं इसे सर्विस फैक्ट्री भेजता तो बहुत ज़्यादा खर्च होता, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ चांदनी चौक कोलकाता में लेकर आया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेज जो है रिपेयर होते हैं, और बहुत सारे सेकेंड हैंड फ़ोन्स भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के आईफोन हो या फिर सैमसंग वगैरह हो, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ़िलहाल तो वर्कर या फिर जो टेक्नीशियन दोस्त है मेरा, वो ई मॉल में काम कर रहा है, वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसके कारण मैं आपको पूरा रिपेयर प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। होप कि डिवाइस जो है जल्द हमारे हाथों में आए। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस हमारे हाथ में आ चुका है और पूरा डिस्प्ले खोला गया है, और सही बात है, उसने मुझे बताई है कि आपका जो है डिस्प्ले कनेक्टर टूट गया था। डिस्प्ले कनेक्टर जो है लॉजिक बोर्ड का हिस्सा होता है, और अगर मैं इसे सर्विस फैक्ट्री भेजता तो पूरा का पूरा लॉजिक बोर्ड वो लोग चेंज करते हैं, छोटा सा डिस्प्ले कनेक्टर चेंज करने नहीं जाते। और पूरा का पूरा लॉजिक बोर्ड की प्राइस जो है 17,000 से 21,000 रुपये तक पड़ती, यानी कि टोटल बिल 21,000 या फिर 17,000 के बीच में कहीं पे आता। तो मेरा दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त पिक्सल 4a यूज़ करते हैं और जिनके साथ ऐसा इशू आ गया है, आप पहले लोकल रिपेयर शॉप में ट्राई करें, क्योंकि वहाँ पे आपको उतने पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे मेरा प्राइस क्या लगा है मैं बता दूँ, डिस्प्ले कनेक्टर की प्राइस 3,400 रुपये लगी है। पहला तो काफ़ी मुश्किल हुआ ढूंढना कि डिस्प्ले कनेक्टर इस डिवाइस का, क्योंकि ये काफ़ी रेयर डिवाइस है, पार्ट्स भी काफ़ी रेयर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और छोटे से छोटे पार्ट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो इशू हुआ था सिम ट्रे वाला। तो फिलहाल तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा वर्किंग कंडीशन में चल रहा है, इसका मतलब काम काफ़ी अच्छा किया गया है यहाँ पे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों से कि आप जो है सर्विस फैक्ट्री के बजाय, आपका डिवाइस अगर आउट ऑफ वारंटी हो या ना हो, आप सर्विस फैक्ट्री के बजाय जो है आप लोकल रिपेयर शॉप में ट्राई करें। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये जेन्युइन डिस्प्ले कनेक्टर लगाया गया है, क्योंकि ये डिवाइस इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर मिलता जुलता या फिर फर्स्ट कॉपी डिस्प्ले कनेक्टर भी लगाया जाएगा तो ये डिवाइस का डिस्प्ले कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। नाउ फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू कि आप क्या प्रिफर करते हो। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।